हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बहुत ही प्रसिद्ध भारतीय रहस्यवादी कवि और संत की, जो कि है कबीरदास, जिन्हें कवि के नाम से भी जाना जाता है। कबीरदास यानी कबीर, वे हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निगुण शाखा के ज्ञान मर्गी उपशाखा के महानतम कवि हैं। इनकी रचनाओं ने हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया। इनकी रचनाएं सिखों के आदि ग्रंथ में सम्मिलित की गई हैं। वे हिंदू धर्म व इस्लाम को मानते हुए धर्म एक सर्वोच्च ईश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों, कर्मकांड, अंधविश्वास की निंदा की और सामाजिक बुराइयों की कड़ी आलोचना भी की। उनके जीवन काल के दौरान हिंदू और मुसलमान दोनों ने उन्हें बहुत सहयोग किया। कबीर पंथ नामक संप्रदाय इनकी शिक्षाओं के अनुयायी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें मस्त मौला कहा। अगर बात करें इनके जीवन परिचय की, तो कब इनका जन्म हुआ है ये ठीक ठीक ज्ञात नहीं हुआ है, परंतु ऐसा माना जाता है मान्यता के अनुसार कि इनका जन्म 1398 में हुआ था। भाषा की बात करें अगर हम, तो इनकी जो कबीर जी की भाषा थी वो सदुकड़ी एवं पंचमेल खिचड़ी है। इनकी भाषा में हिंदी भाषा की सभी बोलियों के शब्द सम्मिलित हैं, जैसे राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषी के शब्दों की बहुलता देखने को मिलती है। जन्मस्थान की भी अगर मैं बात करता चलूँ, तो वाराणसी ही इनका जन्म स्थान माना जाता है, काशी जो कि हाल ही उत्तर प्रदेश भारत में है। इनकी कुछ कृतियां या बात करें इनके द्वारा लिखे गए मुख्य रूप से 6 ग्रंथ हैं, जिसमें कबीर, कबीर साखी, कबीर बीजक, कबीर शब्दावली, कबीर दोहावली, कबीर ग्रंथावली, कबीर सागर है। ये मैंने आपको कबीर जी के बारे में बताया। अगर कबीर जी के कबीरदास जी के वचन के बारे में बात करें, तो कबीरदास कहते हैं कि ये संसार माया का खेल है। माया के खेल में पढ़कर आत्मा अपने परमात्मा को भूल जाता है, परंतु माया जाल को तोड़कर परमात्मा से मिले बिना उसे शांति किसी तरह से नहीं मिलती। माया के इस जाल को तोड़ने का उपयोग केवल सदगुरु की कृपा से ही मालूम हो सकता है। सद्गुरु की कृपा बिना परमात्मा का दर्शन होना बहुत कठिन है। ये कबीर जी, जो कि कबीरदास के जीवन परिचय है, एक छोटी से उनके बारे में मैंने आपको बताया। मुझे उम्मीद है आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।